तो सभी को फिर से स्वागत है रेसिडेंट इविल विलेज की एक और नई गेम प्ले में। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा इथान उसका बेटी रोज को ना ढूंढने के लिए वो जब वो विलेज से निकलकर जब कासल के अंदर जाने लगी, तभी ना हाइजेनबर्ग नाम का एक आदमी आके इथान को पीछे से मारने लगी। एंड उसके बाद इथान को पकड़ कर मादर मिरांडा के पास लेके गया। तभी मादर मिरांडा ने डिसाइड किया कि इथान को ना हाइजेनबर्ग ही मारेगी। तो उसके बाद इथान वहाँ से किसी तरह से जान बचा कर जब वो सामने गया तो उसको एक कासल दिखी जो कि लेडी डिमित्रिस का है। एंड उस कासल के अंदर जाने के बाद लेडी डिमित्रिस का तीन बेटियाँ आके ना इथान को फिर से पकड़ लिया एंड उसको फिर से टानते टानते लेके उनका मॉम के पास लेके गई। एंड उन लोगों का एक प्लानिंग था जो कि इथान का जो खून है उसको पीकर ना वो लोग डिनर करने वाला था। एंड उसके साथ साथ उन लोगों का एक कमजोरी था जो कि बाहर का रोशनी एंड बाहर का ठंड। तो इसी चीज़ को फायदा में लेके इथान उनका एक बेटी को मार भी दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का गेम प्ले हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की, आज का गेम प्ले शुरू किया जाए। तो लास्ट टाइम ना लेडी डिमित्रिस उनका एक बेटी को मारने के बाद ना हमें एक बियर बोतल मिला था जो कि खून के अंदर था। तो मुझे लग रहा है ना अभी उस बियर बोतल को हमें जो डिमित्रिस का उनका जो वाइन रूम है ना, ये वाला वाइन रूम, यहाँ पर ना कुछ करना होगा। और यहाँ पर ना हमें एक केम फ्लूइड मिल गया। तो मुझे लग रहा है ना यही वो जगह है जहाँ पर ना हम लोग उस बियर बोतल को रख सकता हूँ। तो चलो देखता हूँ यहाँ से क्या निकलता है। ओ माय गॉड, ये तो एक हिडन चेम्बर है। तो यहाँ पर ही ना बहुत सारा कुछ है। तो एक बक्सा मिला हमें, कोटियाट की। अच्छा, हमें एक कोटियाट की मिल गया। तो मुझे लग रहा है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चाबी है। तो हमारा जो ये जो हॉल है ना, इसका नीचे एक डोर है जो कि हम लोग ना लास्ट टाइम नहीं खोल पाया था। तो मुझे लगता है वहाँ पर कुछ करना होगा। अरे यार देखो, फिर से आ गया उसका दूसरा बेटी। इनको ना गोलियों से कुछ नहीं होता। वो इधर में आ जाता है तब तक मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये चुड़ैल ना इस घर के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर ना रोशनी है बाहर की, देखो। तो यही है डोर जिसको हम ना अब खोलना होगा कोटियाट की से। यू अनलॉक इट। ओके, तो हमें लगता है ना दरवाज़ा ओपन हो गया। ओके भाई, देखो एक नया लोकेशन। इसका पहले ना हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे क्योंकि हमारे पास चाबी ही नहीं था। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, हमें एक सामने दरवाज़ा दिख रहा है, ठीक है। चलो देखता हूँ ये खुलता है कि नहीं। ओ भाई, लेडी डिमित्रिस यहाँ क्या कर रहा है? वो इस घर में ही है। अच्छा, तो सामने देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर तो कैंप फ्लूट मिल गया। तो ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम आई है तो इसलिए ना यहाँ पर हर कोने कोने को ना अच्छा से देखना होगा क्योंकि जो सामान मिलता है ना यहाँ से हम लोगों को जो गान है ना या फिर और भी सारा चीज़ हम खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है। Have you done to my daughter? ओ भाई, डिमित्रिस ना बहुत गुस्से में है और ये ना इस घर के अंदर ही है क्योंकि इथान ने उस लास्ट एपिसोड में उसका एक बेटी को मार दिया था। तो हमें एक मैप मिल गया है जो कि अच्छा बात है। तो सामने कुछ मिलता है कि नहीं आप ये देखना होगा। पिस्तौल का 5 एमो मिल गया जो कि बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि हमारे साथ ना आज बहुत सारा लोगों को फाइट करना होगा। तो फिलहाल हमें सब कुछ मिल गया है तो अभी इसका अंदर जावा जाए। ओ भाई, ये कौन सी रूम है? देखो सिर्फ खून है यहाँ पर और कुछ पुतला है, देखो स्टैचू टाइप का। इसका हाथ में एक बियर बोतल है और इसके पास एक वाइन का जो गिलास है वो है। और यहाँ पर कुछ लोग है और यहाँ पर एक आर्मी जैसा कुछ है जो कि सिपाही टाइप का। कुछ लिखा है यहाँ पर। ओके, मैं समझ गई है, ये एक पाजल है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका हाथ में एक वाइन का गिलास है एंड उसके पास एक बोतल है। तो मुझे लगता है ये दोनों को मैचिंग करना होगा। एंड उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी है ना उसको भी उस सिपाही की तरफ मोड़ना होगा। तो फिलहाल इसको मोड़ देता हूँ। हो गया टर्न। अभी इसका इसको भी टर्न करना होगा।
ओके, कुछ हो रहा है, देखो खून नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई हिडन चैम्बर हो सकता है। देखो भाई यहाँ पर बहुत सारा हिडन चैम्बर है इस कासल के अंदर। हमें एक लेडर मिल गया है जो कि आयरन का है, तो मुझे लगता है ना हमारा नीचे भी कुछ है। ओ भाई देखो यहाँ पर कितना खून है, हर तरफ खून ही खून। किस तरह का जगह है, देखो सामने इंसान को बात कर लटक दिया है जो कि बहुत दिन पहले। इसका देखो पैर भी नहीं है, सिर्फ हाथ है, बॉडी एंड हाथ है उसका। यहाँ पर रेड लाइट जल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एनिमी हो सकता है। कि देखो भाई बोलते बोलते ही ना वो जो काला आदमी है ना, कपड़ों से काला आदमी पानी में गिर गया है। देखो सामने हो सकता है, बॉक्स में हमें कॉइन्स मिला जो कि अच्छा बात है। अच्छा ये आदमी क्यों हिल रहा है भाई, पानी के अंदर कुछ हो सकता है। अरे भाई नहीं नहीं, बोलते बोलते ही आ गया। इसको सिर्फ माथे में ही मारूंगा, ठीक है। माथे में मारने में ना बहुत डैमेज होता है क्योंकि हमारा गोली भेस नहीं होता है। सामने भी है जो कि खून के अंदर, मार उसको मार। और भी एक मारना होगा। ओके तो दो दो को हम लोगों ने मार दिया है, तो ये लोग तो थोड़ा नहीं रहता है क्योंकि ये लोग बहुत सारा एक साथ रहता है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने इसको मारा था। देखो सामने भी है पानी खून के अंदर। इनका हाथ में डंडा देखना, कितना बड़ा बड़ा डंडा है। अरे भाई पीछे से मारा, रुक तो उसको देखा था वो पीछे से मारने से क्या होता है, तो उसको भी ना पीछे से मारूंगा। अच्छा लगा, ठीक है ठीक है। अभी फिलहाल है क्या कोई और? अरे भाई जल्दी से बाहर आ जाओ ना, पीछे से मारते हो ना बहुत डर लगता है। नहीं इसका कोई काम नहीं है, तो अभी फिलहाल इसका सामने जाना होगा। और ये लगता है नया लोकेशन है। अरे भाई सामने खून के अंदर कुछ है भाई, फिर भी है और भी है। मारो इसके माथे में मारो। इसके हाथ का सोट देखा ना कितना लंबा लंबा है, ये दूर से भी मार सकता है हमको। चलिए यहाँ पर भी है, देखो दो दो है। ये सारे लोग ना खून के अंदर ही रहता है, सिर्फ ओनली हेड शॉट। तीन है, अच्छा आप सही बात है। मुझे लगता है ना आप यहाँ पर और भी और कोई नहीं है। तो बक्सा में अच्छा कॉइन्स मिलता है, हर बार ना सिर्फ कॉइन्स ही मिलता है। अरे एमो भी नहीं मिलता है हमारे पास, अभी तीन ही तीन गोली आए है। मैं बॉस फाइट के लिए ना एमो को इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तीन ही तीन गोली है मेरे पास। चलो भाई कुछ नहीं, अभी फिलहाल कुछ एमो को ना क्राफ्ट कर लेता हूँ, तो तब तक ना हमारा काम हो जाएंगे इस 15 गोलियाँ से। अरे भाई देखो फिर से इसको चाकू से मारो। चलो एक गोली तो बच गई हमारा। और इसको मारने से ना जो हमारा जो क्रिस्टल मिलता है ना, इसको हम ड्यूक के पास बेच सकते हैं, क्योंकि ना उसको बेचने के बाद ना हमें बहुत पैसा मिलता है। तो उस पैसे से हम गन को अपग्रेड कर सकता हूँ, एमओ परचेस कर सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो देखो ये जो लोकेशन है ना, हम लोग यहाँ से ही लास्ट टाइम आए थे, और यहाँ पर देखो दो पुतला भी है अभी भी है। चलो भाई फोन का रिंग हो रहा है भाई। ओ भाई फिर से टूटा। इस घर से ही फ़ोन का रिंग का आवाज़ हो रहा है भाई, देखो। अच्छा वो लेडी दिमित्रिस है, देखो यहाँ पर किसने फ़ोन किया इसको। इसका स्टाइल देखना एक नंबर का है, बीड़ी फूक रहा है।
अरे वो देख लिया हमें, इथान को देख लिया शीशे में। Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. देखो इनका बेटिया मार रहा है और वो लिपस्टिक मार रहा है। Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him, no, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. अच्छा ये मदर मिरांडा से बात कर रहा है, ठीक है? एक तरह भी ओ भाई देखो ये कितना गुस्सा हो गया। Hell with the ceremony. That man will pay for what he's done. ठीक है देखना होगा। वो इथान को ऊपर ना बहुत गुस्सा हो गया और इस टाइम में भी ना वो लिपस्टिक लगा रहा है क्योंकि उसका बेटिया मर गई, फिर भी उसका कोई देखो इसको ना यहाँ से फेंक दिया था। कितना पावरफुल है देखो। रोज, where are you? अच्छा रोज का बेड है, इसका मतलब ना लेडी दिमित्रीस इस यहाँ पर ना इस घर में रोज का रखा था और यहाँ पर अच्छा दिमित्रीस की मिल गया भाई। चलो ये बहुत ही अच्छा बात है। तो हमें फिलहाल दिमित्रीस की मिल गया तो मुझे ना और भी सारा लोकेशन एक्सप्लोर करने होगा। तो ये दरवाज़ा लॉक है तो इसको देखता हूँ ये दिमित्रीस की से खुलता है कि नहीं। चलो लग जा भाई जल्दी से। ओके एक काम कर रहा है। अरे नहीं भाई सामने से आ गया। All this for a child who isn't even here. What the hell do you? ओ भाई देखो कितना पावरफुल है। Selfish wretch, you come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property. ओरे भाई नहीं, ये तो बहुत ही गुस्से में है। देखो इथान को फेंक दिया ऊपर से। ओ भाई क्या सीन है देखो। Go ahead, do your worst. लेडी दिमित्रीस ने इथान को चैलेंज किया, तुम जहाँ भी होगा ना तुमको खोजकारी मारेंगे। तो इथान ने भी बोल दिया तुम्हें जो करना है कर लो। और कुछ देर पहले जो फ़ोन में बात कर रहा था ना तभी वो मदर मिरांडा दिमित्रीस को बोल रहा है कि इथान को तुम मत मारो। मुझे लगता है ना मदर मिरांडा के साथ कुछ हो सकता है, इथान का फाइट हो सकता है, तो इसीलिए ना लेडी दिमित्रीस और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया। तो यहाँ पर एक लीवर देख रहा है मुझे, तो इसको ना आप ऊपर करना होगा क्योंकि हमें यहाँ से भागना होगा। चलो एक खुल गया है, लेकिन वो जो लेडी दिमित्रीस है ना वो कभी भी आके ना इथान को मार सकता है क्योंकि उसने बोला था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इथान। तो यहाँ पर सामने मुझे बॉक्स दिख रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ हो सकता है। अच्छा सिर्फ कॉइन्स ही मिलता है, अरे कुछ तो गोलियाँ तो मिल जा। दूसरा वाला है ओ भाई ये क्या है, ईशान का हाथ काट दिया। अब ये दरवाजे कैसे खुलेंगे, गोलियां भी नहीं कट सकता है। भाई ये तो फिलहाल अभी तक ऊपर में ही था, ये यहाँ से कैसे आ गया। अरे भाई अब उस दरवाजे को कैसे खोलूंगा, एक हाथ से खुलेगा? ये तो हमारा इथान का ही हाथ है, इसको क्या एक्सप्लोर करूँ। अच्छा वो तब तक इस साइड में आ जाए, मैं यहाँ से काट लूँगा ठीक है। अगर वो हमें इस बार पकड़ेंगे ना तो हमें पूरा ही मार देंगे। वैसे भी ना इथान का जो बिलाड़ है ना वो लाल लाल सा हो गया, देखो कितना सोलो सोलो आता है लेडी दिमित्री। चलो मुझे लगता है ना अभी फिलहाल वो दरवाज़ा ओपन हो गया। चलो भाई दरवाज़ा तो ओपन हो गया तो यहाँ से जल्दी भागना होगा। ओ भाई सामने ही है। अरे भाई और भी लाल कर दिया। ए भाई इथान तो अभी भी मारने वाला है। देखो ये दरवाज़ा दिमित्रीस कैसे ही खुलेंगे।
अरे वो क्या है वो कभी, अरे फिर से आ गया भाई, जल्दी से निकल यहाँ से। अच्छा मार्क्स ऑफ स्रो, हमारा दूसरा वाला मार्क्स भी मिल गया, देखो वो इधर ही आ रहा है। अरे भाई इथान अब तेरा क्या होगा, हाथ कैसे तू ठीक करेंगे। अच्छा हीलिंग पोशन, अरे भाई ये क्या है भाई, क्या क्या देखना पड़ता है, हाथ जुड़ गया, वाह ये मैजिकली पोशन है भाई, इसका इसका कोई अलग ही विचार है। देखो हाथ कैसे आप इथान का ठीक हो गया है। गुड, अच्छा Man, screw this castle. भाई जल्दी से यहाँ से भाग ले भाई, वरना और भी सारा मॉन्स्टर आ जाएंगे, ठीक है। और अभी अभी इतान को हाथ भी कटा है भाई, जल्दी से यहाँ से निकल। क्या मिला यहाँ पर, हर्बल मिला है मुझे, लेकिन ओ भाई देखो सामने भी है, ठीक है, वो सारा आदमी यहाँ पर भी आ गया, ये सबको मारना होगा अभी फिलहाल। भाई कैसे स्लो स्लो आता है भाई, जल्दी से आता आ जा, जल्दी से मर जा भाई। देखो भाई इसको मारने से ना हमें बहुत सारा क्रेडिट मिलता है, क्योंकि हमें ना इस गेम में बहुत सारा क्रेडिट की आवश्यकता है। मुझे अभी भी वो कैकू करने की सब आवाज़ आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है मुझे ये भी नहीं पता, तो इसको तोड़ देता हूँ। यहाँ पर जितने भी, देखो एक और भी आ गया। अरे भाई कहाँ से, इतना साइम इतना टाइम से तुझे ढूंढ रहा था लेकिन मिलता ही नहीं, और भी कोई लोग है सकता है। और है क्या, नहीं ये तो दरवाज़ा को ओपन कर लिया जाए। ये अच्छा ये मार्क्स ऑफ, अच्छा दिमित्रिस किसे ही खुलेंगे, हमारे पास तो फिलहाल एक ही चाबी है। तो अभी अभी इथान को हाथ काट दिया ना, इसलिए इथान को अभी बहुत मैप मिल गया, तो इसलिए ना इथान को अब बहुत सेफली काम करना होगा, क्योंकि वो लेडी दिमित्रिस अब बहुत ही गुस्से में है, कहीं से भी आ जाता है, क्योंकि ये एक नया घर है, तो इसके अंदर हमें बहुत ही सतर्क से कुछ काम करना होगा। चलो देखता हूँ। अच्छा हमें गन पाउडर मिला, और सामने टेबल में कुछ है, क्या है, एग्जामिन प्लीज बी अवर इन द मिस्ट्रेस लिपस्टिक मिसिंग। अच्छा वो जो लेडी दिमित्रिस का जो लिपस्टिक है ना वो मिसिंग हो गया। अच्छा और क्या, ये डोर नहीं खुलेंगे क्योंकि इसका कोई चाबी हमारे पास नहीं है। एंड हमें यहाँ से 5 एमो भी मिल गया, जो बहुत ही अच्छा बात है। तो हमें अब क्या करना चाहिए मुझे, अच्छा ये क्या लिखा है, डायरी में एग्जामिन का ऑप्शन भी है, चलो देखता हूँ। वन डे इज साइंस ट्रीटमेंट इन द गर्ल्स हैज़ बीन स्टॉप मूविंग बाय दे आर ऑलमोस्ट डेड इन द इंसेक्ट। अच्छा कुछ इंसेक्ट टाइप का ना वो गर्ल्स का काट लिया था, उसके बाद से वो गर्ल्स शायद वो मॉन्स्टर टाइप का हो गया, और सामने ना तो मुझे लग रहा है ना वो सारा मॉन्स्टर अभी भी है। देखो भाई यहाँ पर है, ठीक है यहाँ पर छुप के बैठा था, तो यहाँ पर क्या है देखना होगा। ये क्या है, हॉलवर्ड सोर्स बॉल। अच्छा हमें एक बॉल्स मिला, क्योंकि ये जो कासिल है ना ड्यूक का घर में भी ऐसा एक कासिल है, तो उसको खोलने के लिए हमें ये बॉल का ज़रूरी था। तो वहाँ पर ना कुछ सामान है जो हमें खोल कर लेना पड़ेगा, तो आप फिलहाल यहाँ से जाओ जाए। देखो भाई सामने और भी एक मॉन्स्टर है, काला मॉन्स्टर, उसको पीछे से पकड़ मारना होगा, ठीक है। ओके मर गई, क्रिस्टल स्कल, एक ही बहुत ही अच्छे दाम में बिकता है ड्यूक के पास। तो चलो धीरे धीरे करके हमें नीचे जाना है, तो हमें सिर्फ ख्याल रखना है कि लेडी डिमित्रिस ना जाए। इसको तोड़ो, एमो मिल गया 5। ये तो मुझे शायद पियानो टाइप का लग रहा है, अभी इसको एग्जामिन, अच्छा एग्जामिन करके ना इसको अभी प्ले करना होगा। Thank you.
देखो भाई, अपना ये अपना भी बजने लगा, तो मुझे लगता है ये भी एक पसेल ही था। चलो बहुत हो गया। अच्छा, इसके अंदर कुछ है, ठीक है, चाबियां है, आयरन की। तो मुझे लग रहा है ना, हमें ऊपर में जो डोर हम लोग ओपन नहीं किया था ना, ये चाबी वहाँ पर ही लगेंगे। तो ये दरवाजे को खोल देता हूँ, जस्ट दिमित्रिस ना आ जाए। ओ भाई देखो, लेडी दिमित्रिस आ गया। उसके हाथ में देखो ना, कितना बड़ा बड़ा नेल्स है। वो जो उल्वरीन से उसके जैसा ही वो नेल्स है। तो वो ना बहुत स्लो है, तब तक मैं इस साइड से जाकर ना उस दरवाजे को खोल सकता हूँ। इस साइड में नहीं है, तो इसके अंदर हमें एक लॉकपिक चाहिए। लॉकपिक फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो चलो जल्दी से हमें उस दरवाजे को खोलना होगा, यही वाला दरवाज़ा। चलो भाई जल्दी से आयरन की से हम इसको खोल सकता हूँ। लेडी दिमित्री सभी भी बहुत दूर है, वो नहीं आ पाएंगे। अरे भाई तीसरा वाला बेटी भी है, सॉरी ये तीसरा नहीं, ये दूसरा वाला बेटी है। उसको कैसे मारूंगा भाई? अच्छा यहाँ पर कुछ है, ठीक है, इसको शायद ओपन करना होगा, एग्जामिन करके इसको खोलना होगा। ऊपर से ठंड हवा आ रहा है, मार उसको मार। देखो ये ऊपर में खोल गया है ना, इसको इस लीवर को डाउन करने से ऊपर में खोल के गया। इसके लिए ऊपर से ठंडे ठंडे हवा आ रहा है और रोशनी भी आ रहा है। ये फिर से बंद हो गया, तो इसको फिर से खोलना होगा। एक टाइम देता है हमें, उस टाइम के अंदर ही इसको मारना होगा। भागने की ट्राई कर रहा है ये। अरे नहीं जा पाऊंगे ना। हाँ, देखो कैसे पुतला हो गया, ये अभी भी टूटने वाला है। I'm sick of bugs. अरे तू भाड़ में जा चुड़ैल, इधन को मारेंगे ना। चलो भाई क्रिस्टल टेनो मिल गया, और यहाँ पर कुछ हो सकता है इम्पोर्टेंट। जहाँ जहाँ भी ये चुड़ैल है ना, वहाँ से ना कुछ सामान मिलता है इम्पोर्टेंट्स, गोलियाँ इस टाइप का। गोलियाँ मिल गया, देखो अभी भी इस घर में बहुत सारा गोलियां है, सिर्फ हमें ढूंढना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पर शॉटगन का तीन एमो मिल गया, तीन या फिर दो। इसके अंदर से भी हमें 13 एमो मिल गया। तो चलो बहुत हो गया, आप ना इसको खोला जाए, इसके बाहर जाना होगा। तो ये एक स्टैचू है, मुझे लगता है ना हमारा तीसरा वाला मार्क्स भी मिल गया, मार्क्स ऑफ जॉय, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें ना टोटल 4 मार्क्स चाहिए, तो हमें 3-3 मार्क्स ऑलरेडी मिल गया है। ये कौन सी दरवाजा भाई? यहाँ पर तो कोई भी डोर नहीं दिख रहा है मुझे, ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर तो डोर नहीं है, तो मुझे लग रहा है ना इस घर में कोई हिडन चैम्बर है। इसको तोड़ दो भाई, एमो मिल गया। इसके अंदर कुछ नहीं है। ये तस्वीर किसका है? रोशनी आ रहा है ऊपर से, लगता है यहाँ पर कुछ लिखा है, देखो नोट्स है। अच्छा लेट्स द 5 बेल्स ऑफ द चैम्बर रिंग आउट। अच्छा ओहो हो भाई, यह देखो ये जो बेल्स है ना, इसको बजाना पड़ेंगे, तभी जाके ना कुछ होगा। 5 बेल्स बुलाए, तो यहाँ पर ना पाँचों का पाँचों जो रिंग्स बेल्स है ना, उसको बजाना पड़ेंगे। लेकिन और कोई बेल्स मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, ढूंढना होगा। ओ भाई देखो ऊपर में है एक छोटा वाला रिंग्स बेल्स, इसको बजाना होगा। इसको बजाने से ना इसको ऊपर में आग लगता है, तो पाँचों को एक साथ बजाना होगा। उसके अंदर भी एक है, वेट करता हूँ थोड़ा, जब भी ऊपर आएंगे तो अभी मारूंगा उसके ऊपर गोली। ठीक है 3 हो गया, अभी 2 बाकी है। तो इस झूमर के ऊपर मुझे लग रहा है एक है, ठीक है झूमर के ऊपर। ओके हो गया 4, और एक कहाँ हो सकता है? मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आया है। अच्छा वो देखो बाहर, शीशे के बाहर उस टाइप का है। हाँ ये हो सकता है। ठीक है 5ों का 5ों बेल्स एक साथ बज गया,
भाई कहाँ से डोर? ओ भाई देखो, ये पिक्चर के पीछे एक डोर था। कितना सारा डोर है भाई, देखो ये घर में पता ही नहीं चलता। यहाँ पर भी डोर है और यहाँ पर आउटसाइड से लाइट्स आ रहा है, तो मुझे लगता है ना अभी हमारा जो नेक्स्ट चुड़ैल है उसके साथ फाइट में भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने देखा है ना बाहर से रोशनी आता है ना, उस जगह में हमें फाइट करना होता है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, चलो फिलहाल सामने जाता हूँ। बॉक्स मिला, बॉक्स देख रहा है मुझे, ट्रेजरी मैप एंड उसके साथ कुछ क्या मिला, कॉइन्स शायद, पुतला है जिसका शेर नहीं है। यहाँ पर क्या है भाई? ओ काला बड़ा मॉन्स्टर सो रहा था, मार उसको माथा में मार, इसका कोई चांस ही नहीं दिया। ठीक है, लॉक पिक भी मिल गया भाई। अच्छा ये लॉक पिक ना अगर कुछ देर पहले मिल जाता तो उस घर में जो बॉक्स था उसको मैं खोल सकता था। तो चलो यहाँ से कल्टी हो जाए। ओ भाई राइफल मिल गया हमें, स्नाइपर राइफल भाई, यही तो चाहिए था मुझे। और भी एक गन मिल गया, चलो भाई बाहर जाता हूँ यहाँ से। ये शायद घर के ऊपर का छाद है। ठीक है, ये क्या है भाई? किसी तरह का पक्षी जैसा, इंसान जैसा पक्षी दिख रहा है मुझे, जिसका प्यार है, कोई नया टाइप का कोई इंसान पक्षी है। चलो फिलहाल मुझे लग रहा है ना इसके साथ फाइट करना होगा। देखो भाई आ गया भाई, इधर में है, इसको गोली करो दो गोली। अच्छा इसको हम चाकू से भी मार सकते हैं, तो दो गोली करने के बाद ना इसको हम चाकू से भी मार सकते हैं, या फिर वो जब डाउन मतलब नीचे रहेंगे तब उसको मैं चाकू से मार सकता हूँ। तो ऐसा करने से हमें एमो भी सेव हो जाएगा। यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना सारा है देखो, बहुत सारा है, एक भी आएंगे हमारे पास जल्दी से जल्दी। ओके सामने एक ट्रैश देख रहा है मुझे, इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, स्क्रैप मिल गया। चलो वो नहीं आएंगे तो हम उसको नहीं मारेंगे। हमारे पास जो भी स्नाइपर है, लेकिन हम स्नाइपर का गोली बेस नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओ देखो भाई दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, इसको अब चाकू से मारूंगा, लेकिन ये तो नीचे भी गिर गया, कोई बात नहीं है। अगर वो ऊपर में गिर जाता ना मैं उसको चाकू से मारता, एंड उसको मारने से बाद वो जो मिलता है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामने है क्या कोई? साउंड आ रहा है मुझे, चाकू से मार भाई चाकू से मार। देखो भाई इनका प्यार इंसान का ही है, लेकिन इसका एक दो पंख भी है एंड उसका बॉडी वो बैट्स जैसा है। क्या से अजीब अजीब चीज रहता है भाई, कौवा रहता है मरा हुआ, बैट्स रहता है, क्या क्या है भाई, ये सब मदर मिरिंडा खाता है ना कि? चलो फिलहाल अभी ऊपर भी है, उसको कैसे मारूंगा कोई बात नहीं है, हमारा सामने अगर आएंगे तो हम जरूर मरेंगे, हम तुम्हें जरूर मरेंगे, सिर्फ टाइम होगा हमारा एंड वो जगह भी हमारा होगा। आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ, थोड़ा पास आ जा, पास आ जा। चलो अब चाकू से मार उसको, एक साथ दो दो डेड बॉडीज। कितना गोली है अभी फिलहाल? 20 गोली है, गोलियां है। देखो एक ऊपर में बैठा है, देखो कैसे करके बैटमैन जैसा, तुझको तो मारूंगा ही मारूंगा। फिलहाल मैं ऊपर जाता हूँ, वो जरूर आएंगे शियोरू में।
चलो भाई शॉटगन की एमो भाई, एमो दो भाई, भर भर के एमो दो मुझे। दो गोली में मर जाएंगे, चाकू से मारूंगा हर बार की तरह। एक मिनट, इसका पैर देखना, इसका पैर में कुछ बांधा हुआ है लोहे का। अगली बार देखूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही है। अच्छा मार उसको, मार। हाँ हो गया, चाकू से मर गए। देखो भाई इसका पैर में ना कुछ लोहे का कुछ है, चेन जैसा बांधा था। चलो भाई यहाँ से कल्टी हुआ जाए। दो दो खजाना एक साथ, वाह क्या बात है। स्नाइपर एमो भाई, यही तो चाहिए था मुझे। इसमें भी एमो मिल जाए भाई। नहीं भाई इसमें तो कॉइन्स मिला, तो एक जीप लाइन मिला है शायद। वो जो लिफ्ट था ना हमारा, वो लिफ्ट में ही जाना होगा। जो लो भाई तो टूट गया। अच्छा ही हुआ हम घर में भी आ गया, टूट भी गया। नया मार्क्स, मार्क्स ऑफ प्रेस। तो ये हमारा तीसरा वाला मार्क्स है। तो लेडी दिमित्रिस का जो तीसरा वाला बेटी है ना, उसको मारने के बाद ही हमारा जो चौथा वाला जो मार्क्स है, हम लोग उसको कलेक्ट कर सकता हूँ। और फिलहाल इस लिफ्ट में हमें जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर और रास्ता नहीं है जाने के लिए। तो अभी इस लिफ्ट को चालू कर देता हूँ। भाई लोग अगर आप लोगों को चैनल का वीडियोस अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। एंड उसके साथ साथ मेरा हिंदी लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं इसके पहले ना बंगाली में वीडियो काटता था। और ये तो वही जगह है जहाँ से हम लोग गेम को, मतलब इस गेम को स्टार्ट किया था। और वो तस्वीर है तीन बेटियों का। ओ भाई फिर से आ गया लेडी दिमित्रिस। आप भागो कहाँ से, यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है। वेट करो यहाँ से जाता हूँ। वो जब मारने के लिए हाथ ऊपर करेंगे ना, देखो ये अंदर नहीं आ सकता है, झुक के आना होगा। वो जब हाथ ऊपर करेंगे तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो लेडी दिमित्रिस ना ड्यूक के कमरे में नहीं आता है। No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. Oh, शायद बाहर में है, ठीक है? देखो, वो अभी तक मुझे नहीं देखा है। मैं इस घर में हूँ। एक मिनट, वो हमें देखेंगे। गोली काट उसको। हाँ उसको पता चल गया हम इस घर में हैं। एक गोली, देखो भाई उस वो अभी नहीं आएंगे। उसको पीछे में मार, गोलियां मार, क्योंकि उसका गोली से कोई नहीं होता। अरे देखने में क्या होता है, आजा मार ना मुझे। तू मुझे नहीं मार पाएंगे क्योंकि ये ड्यूक का घर है। तू ड्यूक का घर में नहीं आता है। तो कुछ देर पहले हमें जो बॉल्स मिला है ना, रेड बॉल्स, तो उस रेड बॉल से इस कासल को एक्टिव करना होगा। और या इसके अंदर देखो एक बहुत महंगे वाला कुछ है, तो उसको निकालना होगा। तो रेड बॉल्स, मुझे रेड बॉल्स मिल गया। तो अभी ना इस बॉल को बहुत संभाल करना। ये जो मिडिल में जो रेड फ्लैगे ना, इसके इस पॉइंट में ले आना होगा। बहुत ही धीरे धीरे करके ले आना होगा, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाए ना तो बॉल ना गलत जगह में घुस जाएंगे। इसको थोड़ा घुमा लो भाई, घुमा लो। हाँ लेकिन ये ज़्यादा नहीं घूमता, ठीक है, ठीक से नहीं दिखता है। अगर ठीक से देखोगे ना तब वो जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब ये जो कासिल है, कासिल हिले ढुलेंगे, उसके बाद ना ये बॉल्स गलत जगह में फंस जाएंगे। तो हमें सिर्फ इस जो रेड फ्लैग है ना, रेड फ्लैग के अंदर ही इसको लाना होगा। हो गया, बस हो गया। ओके भाई, ऑल राइट। देखो भाई ये पर ना सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि इसको ना पूरा अच्छा से इसको खोला गया है। क्रिम्सन स्कल,
जो कि बहुत ही महंगे में बेचूंगा ड्यूक के पास। चलो अभी हमारे पास जो जो आइटम्स है जो हमको नहीं लगेंगे ना, उस सारी को सारे के बेच दूंगा हम लोग। कुछ भी नहीं रखूंगा, सभी को बेच दूंगा। देखो भाई कितना सारा पॉइंट्स हो गया, 2400 हमें कॉइन्स मिलेंगे, इसको बेच कर। ड्यूक ने भी बोल दिया तुम नेक्स्ट टाइम आओ और तब अपग्रेड करके जाओ। तो हमारे पास जो जो मार्क्स थे ना 3 मार्क्स, तो यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब तीसरे वाला मार्क्स यहाँ पर सेट करता हूँ। तो हमें सिर्फ और एक ही मार्क्स चाहिए तो यहाँ से निकलने के लिए। देखो तो ये जो चौथा वाला मार्क्स है ना, इसको खोजने के लिए ना हमें ऊपर जाना चाहिए, जिस घर में उस लेडी दिमित्रिस का बेटी रहता है। ओ भाई म्यूजिक चालू हो गया, तो इसका मतलब है लेडी दिमित्रिस आसपास कोई भी है, ठीक है। ओ देखो बोलते बोलते आ गया लेडी दिमित्रिस भी आ गया, उसका जो ज्वेल बेटी वो दोनों एक साथ आ गया। फिलहाल लेडी दिमित्रिस सामने आ रहा है, लेकिन उसका बेटी घर में चला गया। इधर में आने दो, तब मैं लेफ्ट से भागूंगा, वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। देखो उसका नेल कितना बड़ा है। तो जिस दरवाजे के बाहर पुतला बना हुआ है ना, जिसका आँख से खून निकल रहा है, तो उसी दरवाजे से हमें अंदर जाना होगा। उसके बाद और भी एक दरवाज़ा है, तो यही है वो दरवाज़ा। तो फिलहाल हमारा सामने एक और दरवाज़ा है, तो इसका ना खुलना होगा। तो मुझे लगता है दिमित्रिस किसे ही खुलेंगे। ओके ये देखो वो स्टैचू जहाँ पर ना हमारा चौथा वाला मार्क्स है, तो इसको लेना होगा। तो इसका नाम है मार्क्स ऑफ प्लेजर्स। अच्छा ओ भाई देखो भाई गेट बंद हो गया, ठीक है। जब मैंने मार्क्स को उठाया ना तभी एक गेट बंद हो गया, तो इसका मतलब हमें अभी उस चुड़ैल से फाइट करना होगा। यह हमारा क्या है, अच्छा सिल्वर रिंग्स मिला मुझे एक, अच्छा बहुत खूब। तो देखो यहाँ पर एक हिडन दरवाज़ा है के अंदर से देखो रोशनी निकल रहा है, तो इसका मतलब शायद अभी इस एरिया में ना वो चौथा वाला जो चुड़ैल है, मतलब तीसरा वाला जो चुड़ैल है, उसके साथ अभी फाइट करना होगा। तो वो चुड़ैल ना इधर में कहीं पर भी हो सकता है, चलो देखता हूँ। ओ भाई चुड़ैल आ गया, इसको जल्दी से खोलो भाई। मक्खी देखो, मक्खी मक्खी भाई। गेट बंद हो गया, इसको मारना होगा, पाइप बम का है। अच्छा यहाँ पर एक वाल है ना फूटा हुआ, तो उसको आप तोड़ना होगा वो पाइप बम से। देखो कैसे तड़प रही है चुड़ैल, बाहर का ठंड में इसका बहुत प्रॉब्लम होता है। अरे भाई पीछे से मारना इसका सबब हो गया। बोल कैसा लगता है, बोल अभी और खून पिएगा। भाग ऐसे भाग 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 इतन भाग। फिर से मारना होगा उसको, माथे में ही मारना होगा, क्योंकि माथा में मारूंगे ना तो ज़्यादा डैमेज पड़ेंगे। उसका खेल ख़त्म हो गया मुझे लगता है, हो गया, बस हो ही गया। बस हो गया, ये अभी भी टूट जाएंगे। देखो हो गया, राम राम सत्य है। चलो एक क्रिस्टल स्टैचू भी मिल गया हमें। देखो ये बाहर का एरिया है, तो देखो ना यहाँ पर और भी सारा सामान है। तो क्या है, दो दो पाइप बम है एंड एक लॉक पिक मिला मुझे। वाह बहुत खूब, कितना सारा पाइप बम होगा मेरे पास। देखो भाई दरवाज़ा बंद है, तो लगता है यहाँ पर कुछ है, इसको उतारना पड़ेंगे। एनिमल स्केल, ठीक है चलो। ओ देखो उसको उठाते ही ना हमारा गेट ओपन हो गया, वो जरूरी था, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो एग्जामिन का ऑप्शन आ रहा है, उस टाइम ना यहाँ पर कोई एग्जामिन का ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लगता है हमारे पास ये जो स्केल है ना इसको एग्जामिन करना होगा। चलो देखता हूँ क्या निकल। अच्छा वो अलग हो गया, अभी इसको यहाँ से सेट करना होगा। I should be able to get out with these. Okay, देखो सेट काटते करते ना इस दरवाजा भी खुल गया।
ये सब करना ही होगा, उसके अलावा डोर नहीं ओपन होगा। ओ भाई देखो, लेडी दिमित्रिस इथन को अभी भी नहीं दिखा है। यहाँ पर छुप जाता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे करके जाना होगा। अगर उसको पता चल गया ना इथन यहाँ पर है, तो वो मुझे मारने जरूर आएंगे। उसको जाने दो। वो देखो सामने ही है, अभी भी उसको पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द उसको पता चल जाएगा। देखो भाई, The entire bloodline of House Dometresk is done in by the likes of you. देख लिया हमें, बट भागने की कोई जगह नहीं है। ओके, तो यहाँ पर रुकता हूँ ना, और जब आएंगे तभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वो अगर हाथ ऊंचा करेंगे ना तब तक हम यहाँ से जा सकता हूँ। ओके एक मिनट रुको, तो वो अभी भी हमसे बहुत दूर है, ठीक है, तो अभी भी अभी जाके ना वो चौथा वाला जो मास्क है उसको लगा देता हूँ। मास्क ऑफ प्लेजर्स सेट हो गया, तो अभी दरवाज़ा का खोलने के टाइम हो गया। चलो भाई, तब तक मैं इस घर में छुप जाता हूँ, वो मुझे मार नहीं पाएगा। जाऊँ के बाहर? नहीं, उसको आने दो यहाँ पर, वो देख लिया। अरे भाई जल्दी से भाग जा भाई, अरे भाई दे दिया। जिसका भाई था वही होगा। दो मार, और भी मार, और भी मार, वो तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस घर में आता ही नहीं। ड्यूक के पास ना इस गन को, स्नाइपर को थोड़ा अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी 7920 रुपीज़ है, तो इसको ना डेट ऑफ फायर को ज़्यादा कर लेता हूँ। चलो हो गया। थैंक यू फॉर योर पैट्रनेज। फिलहाल अभी वो ऊपर में है, लेकिन तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, कोई बात नहीं है। अबे तू आ जाना, उसको देखता हूँ। हर बार मिला है मुझे, स्क्रैप भी मिल गया। तो चलो, अब बाहर जाने की टाइम आ ही गया, एंड उसके बाद ना इस पुशन को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी हेल्प नहीं था, लाल हो गया था। ये कोई चार्ज टाइप का है, ठीक है, और ये क्या है, किसी का कफन टाइप का लग रहा है मुझे, तो इसका ऊपर देखो कुछ लगा हुआ है। चलो देखता हूँ इसके अंदर क्या मिलता है। ओ भाई, एक खंजर मिला है, पिकअप करूँ क्या? ये कोई स्पेशल टाइप का कुछ है। चलो भाई जल्दी से इसको लेता हूँ। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, फिर से आ गया। तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे घुसा के। इसको कुछ हो रहा है देखो। अरे फेंक दिया इधन को, और उसके साथ साथ वो चाकू भी गिर गया। उसके साथ कुछ तो हो रहा है देखो। अरे भाई उसको पांग निकल कर आ रहा है देखो। ओ माय गॉड, ये क्या क्या हो रहा है देखो, इतना बड़ा मॉन्स्टर हो गया। आई थिंक ये कोई ड्रैगन है। ओ भाई, डिमेट्रिस ड्रैगन बन गया देखो। ओ नो, इथन को पकड़ लिया, अब ऊपर से फेंक देंगे शायद। ओ नो, आप चलो भाई, आप टाइम आ ही गया, तो सामना सामने वार करना होगा। स्नाइपर से वार करता हूँ, हेडशॉट, दूसरा वाला हेडशॉट, बहुत फूक उसको लगी, बहुत जोर से लगी उसको। फॉलो करो उसको आप ना। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो कितने सारे एमोस है। आप शॉटगन एंड स्नाइपर से ही मारूंगा उसको। कहाँ गई चुड़ैल, कहाँ गई? इधर में है क्या? ओ देखो भाई सामने ही है। इस घर से लेके हम उसके साथ फाइट करूंगा। उसका सिर्फ देखो दिमित्रिस का जो बॉडी है ना इंसान जैसा, वहाँ पर ही मारना होगा। शॉटगन के गोली, चलो उसको बहुत डैमेज पड़ा। भाग रहा है देखो, देखो
माथे में मार उसको, ठीक है। और भी मारना होगा, ठीक है ठीक है। पोजीशन नहीं मिल रहा है हमें, कहाँ गई, कवर में जाता हो, ठीक है। फिर से भाग गई, देखो स्नाइपर से मारता हूँ, जल्दी से कवर में जाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर छुप गया है वो, हील हो रहा है, देखो हील हो रहा है, जल्दी से मारना होगा। अरे गोली तो इसीलिए हमने बचा के रखा था तुझको मारने के लिए, तूने क्या सोचा था तुझको मैं यूं ही जाने दूंगा। किस तरफ का बदसूरत मुख है देखो उसका, बहुत ही गंदे तरह है। फिर से स्नाइपर, और भी एक, अब सही है ना, बहुत सही लगा उसको, उसका बहुत जोर से पड़ी, ठीक है। एक मिस हो गया, कोई बात नहीं है, बहुत सारा गोलियां है हमारे पास। फिर से भागने जाएंगे, ओए देखो भाग गया, ठीक है। स्नाइपर मार उसको, मार मार मार, नो भाई, इतना जल्दी मैं गिव अप नहीं करूँगा, ठीक है, तुझको तो मार ही जाऊँगा। उसको खून चाहिए ना, तुझको खून देता हूँ, आजा। ये है किस तरह बदसूरत, देखो मार उसको, मार मार। अच्छा वो माखिया छोड़ती है, ठीक है, इसके पास माखिया भी है। ओह शिट, मिस हो गया, चलो ऊपर में जाओ, माखिया आ गया इधर में। ओ भाई इसको क्या है, और भी एमो है, अरे सामने तो आजा, कहाँ उड़ता है, चलो आ ही गया। अरे तुझको तो मारकर ही जाऊंगा, ठीक है, बस बस हो ही गया उसका खेल खत्म, पढ़ाई उसका खेल खत्म हो ही गया, देखो खत्म, चीर फाड़ दिया उसको, खत्म हो गया। तेरा जितना गालियां देना है दे दे, ठीक है, तू तो गया। चलो चुड़ैल का मौत हो गया, देखो बहुत खूब। जाते जाते एक चीज़ बोला आज, वो इथन ना उसका बेटी से और नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत देर हो गया, मुझे नहीं लगता ऐसा। You're the one who's cursed. Yes. कुछ तो बात है, ठीक है, जो इथन अभी तक नहीं जानता है उसका बेटी के बारे में, उसका बेटी कहाँ है, कौन लेके गया है अभी। चलो कोई बात नहीं है, हम सभी ढूंढ लेंगे। तो सामने क्या है इसके अंदर पता नहीं है, और ये देखो उसका डेड बॉडीज, ठीक है, और एक कैसा चीज़ है मुझे अभी तक नहीं पता, तो इसको उठाना पड़ेगा। चलो हर बार का तरह ना इसको भी रखना पड़ेगा। यस, तो भाई देखो फाइनली हमारा बाहर निकलने के लिए हमें रास्ता मिल गया। तो दोस्तों आज का गेम पहले हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करूँगा,
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ ना नेक्स्ट कोई एपिसोड में, तब तक के लिए यहीं पर ही आज का गेम प्ले ख़त्म करता हूँ, ठीक है।